So, hey what's up guys, it's me Sameer Upadhyay and you are watching Samir Tech YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने Android फोन में कीबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं गाइज, वो भी प्रो लेवल में। और गाइज आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। गाइज आप लोग वीडियो को एकदम कंप्लीट वॉच करते रहिए शुरू से लेकर एंड तक। और गाइज ये जो मैं आप लोगों को कीबोर्ड कस्टमाइजेशन बताने वाला हूँ, इसमें आप लोगों को तरह तरह की प्रो लेवल की कस्टमाइजेशन देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो को एकदम एंड तक वॉच करते रहिए। एंड गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है बॉस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में ही करें बेल आइकन को ऑन, क्योंकि यहां पर आप लोग ऐसे डेली एंड रेगुलर क्वालिटी टेक वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज सबसे पहले तो आप लोग को एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिस एप्लीकेशन का नाम है एलईडी कीबोर्ड लाइटनिंग। और गाइज इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको आ जाना है। और गाइज ये एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा कमाल का है। गाइज इस एप्लीकेशन में आप लोग को तरह तरह के कीबोर्ड कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ। सो गाइज आपको सबसे पहले परमिशन को अलाउ करना है। आप अपने फोन के नीचे के साइड में जाएंगे तो यहाँ आपको एलईडी कीबोर्ड करके एक ऑप्शन मिलेगा, जिसको आपको इनेबल कर लेना है, यानी कि अलाउ कर लेना है। इससे आपके सिस्टम में आप इनेबल कर पाएगा कीबोर्ड्स को। सो गाइज ये एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा कमाल का है, फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को। अब यहाँ पे गाइज आपको फिर से यहाँ पे एलईडी कीबोर्ड को एक बार चूज कर लेना है, यानी कि अलाउ कर लेना है जो भी परमिशन मांगे। 100% गाइज सेफ एप्लीकेशन है। थोड़ा सा इस एप्लीकेशन में आपको ऐड देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एक फ्री एप्लीकेशन है, बट काम बहुत ही ज़्यादा कमाल का करता है। तो गाइज यहाँ पे मैं एक यानी कि लाइटनिंग को ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गाइज ये कमाल का लगता है दिखने में, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं। और गाइज यहाँ पे मैं अपने जो गूगल है, गूगल में भी मैं आपको जाके दिखाने वाला हूँ कि ये कैसा लगता है, और टाइप करके दिखाने वाला हूँ कि आपका कीबोर्ड देखने में कैसा लगेगा। सो गाइज यहाँ पे मैं गूगल को ओपन कर लिया और आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप कीबोर्ड को पहले ही देख चुके होंगे, बट यहाँ पे मैं एक बार और फिर से दिखा देता हूँ कि कितना ज़्यादा कमाल का दिखने में लगता है। एंड यहाँ पे गाइज आप लोग जब टाइप करेंगे तो इसकी जो लाइट है वो सिंक होगी, यानी कि इधर उधर भी होगी, बहुत ज़्यादा कमाल का है। और गाइज इस एप्लीकेशन में आपको तरह तरह के यहाँ पे कीबोर्ड कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं, सिर्फ आपको एक दो ही नहीं, आपको इसमें बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक करके आपको कुछ दिखाता हूँ, यहाँ पे 5-6 मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे गाइज आप इस कीबोर्ड को भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमाल का दिखने में लगता है। और आपको बस सेट कीबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर से गूगल में चलते हैं और आपको दिखाते हैं गाइज, काफ़ी ज़्यादा ये भी देखने में अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो लाइट्स है वो अलग अलग टाइप की लगती है, एक तरह की गाइज ये जो RGB कीबोर्ड आप बना सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा गाइज कमाल का दिखने में लगता है। और यहाँ पे आपको बहुत ही तरह तरह के आपको कीबोर्ड देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगी। अगर गाइज अगर आप अपने फ़ोन में करते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी इंप्रेस हो सकते हैं इस कीबोर्ड से, क्योंकि ये जो है वो एक RGB लाइट कीबोर्ड है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हैं ये सेकंड वाला है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये फर्स्ट वाले से ऐसा ही है बट दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे गाइज मैं और सारी कीबोर्ड्स भी आपको दिखाने वाला हूँ, आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहिए। और गाइज इस एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को और भी ज़्यादा बहुत सारी कीबोर्ड देखने को मिलते हैं, सारे कीबोर्ड में दिखाने वाला हूँ, कुछ मैं ट्राई करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज इस एप्लीकेशन को आप लोग जरूर से ट्राई करिएगा, इस एप्लीकेशन को आप लोग यूज करेंगे तो आप लोग का जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो एक कस्टमाइज लुक में रहेगा और दिखने में भी बहुत ज़्यादा गाइज एक कमाल का लगता है। और गाइज मेरा पर्सनली फेवरेट ये वाला है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइज जो मैंने थंबनेल पे भी दिखाया, थंबनेल वाला भी कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो भी कमाल का है। गाइज ये जो कीबोर्ड वाला ऐप है, इससे आप लोग अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर सकते हैं गाइज, काफ़ी ये अच्छा दिखने में लगता है। और इसमें आप लोग को तरह तरह की कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है गाइज, इसमें बस आपको एक दो कीबोर्ड ही नहीं, बहुत सारे कीबोर्ड देखने को मिल जाते हैं। और गाइज ये जो है ये एक बेस्ट कीबोर्ड ऐप है, अगर आप लोग कोई कीबोर्ड के लिए अपना कोई ऐप ढूंढ रहे थे तो ये ऐप आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो आप लोग इसको जरूर से ट्राई करिएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और गाइज ये देख लीजिए, ये थंबनेल पे जो मैंने लगाया था वो ये वाला कीबोर्ड है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा एक कमाल का लगता है। और गाइज आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। गाइज वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। और गाइज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो गाइज चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में ही करें बेल आइकन को ऑन, क्योंकि यहां पर आप लोग को ऐसे डेली एंड रेगुलर स्मार्टफोन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे वीडियोस, साथ साथ आपको क्वालिटी टेक वीडियोस देखने को रेगुलर एंड डेली मिलती रहेगी। और गाइज अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो गाइज इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें जरूर से फॉलो कर लें, SameerTech1 है हम लोग की यूजर ID, यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हमें फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, हम वहां पे अपने वीडियो के बिहाइंड द सीन्स डालते रहते हैं।
एंड गाइस इस एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करना ना भूलिएगा गाइस, काफी ज्यादा कमाल का ये एप्लीकेशन है, आप लोग इससे बहुत ज्यादा यहाँ पे कस्टमाइज कर पाएंगे।